हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम गुप्ता ब्लॉग में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। आज मैं बताऊंगी आलू और सोयाबीन की सब्जी की रेसिपी। एकदम नया तरीका है, रेस्टोरेंट स्टाइल है। देखिए ये मेरा 100 ग्राम के लगभग ये सोयाबीन है, 100-150 ग्राम होगा। मैं इसको तौल के नहीं लिया हूँ, घर में रखा हुआ था, घर में रहता है, ऐसे ही बना लेती हूँ इसे। 100-150 ग्राम के लगभग ये सोयाबीन होगा। इसे मैं पहले गर्म पानी में 15 मिनट के लिए भिगो के रख दी थी। गर्म पानी में हल्का नमक डाल के भिगो के 15-10 मिनट के लिए इसको रख दीजिएगा। उसके बाद मैं इसको ठंडा पानी से धो ली हूँ। उसके बाद इसको इस तरह से निचोड़ दीजिएगा पानी। देखिए अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी है, इस तरह से निचोड़ दीजिएगा, सारा पानी निकल जाएगा। मैं सारा पानी निकाल ली हूँ। अब मैं इसे सबसे पहले फ्राई करूँगी। देखिए मैं गैस पे एक पैन चढ़ा दी हूँ, इसमें 2 स्पून के लगभग ऑयल दी हूँ, सरसों ऑयल, मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं आप, रिफाइंड तेल से भी फ्राई कर सकते हैं, जो भी खाने वाला ऑयल है उससे आप कर सकते हैं फ्राई। सबसे पहले मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। देखिए गैस में सारा सोयाबीन डाल दी हूँ, इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं आलू फ्राई करूँगी। मैं आलू उबाल ली हूँ, ज़्यादा नहीं, 50% बॉयल की हूँ, 50% इसको कुक करूँगी मसाला के साथ। मैं 5 आलू ली थी मीडियम साइज़ के, इसको देखिए उबाल ली हूँ। ज़्यादा इसको बॉयल नहीं किए, बस 50%। और एक आलू मैश कर ली ग्रेवी के लिए, ये फ्राई हो जाएगा सोयाबीन। उसके बाद मैं आलू फ्राई करूँगी। देखिए गाइस सोयाबीन फ्राई हो गया है, मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा तो बहुत अच्छे से हो जाएगा फ्राई। जैसे ही फ्राई हो गया मैं इसे निकाल लेती हूँ। सब देखिए गाइस मैं सोयाबीन निकाल ली हूँ। अब मैं इसी पैन में 2-3 स्पून के लगभग और ऑयल डाल दूँगी, आलू फ्राई करूँगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा और कलर भी बहुत अच्छा रहेगा। देखिए गाइस तेल गर्म हो गया। अब देखिए मेरा ये 1/6 स्पून है, इससे मैं 1 स्पून हल्दी डाल देती हूँ। अब मैं मसाला, ये हल्दी भून गया है, अब मैं इसको, अब इसमें मैं ये आलू डाल देती हूँ, मैश किया हुआ आलू नहीं, ये कटा हुआ आलू डाल देती हूँ। मैं एक आलू का 8 पीस बनाई हूँ इस तरह से काट के। आप अपना हिसाब से जैसा जितना बड़ा बड़ा पीस रख सकते हैं उस हिसाब से आप जैसा आप लोग खाते होंगे, जितना बड़ा साइज का आप लोग खाना पसंद करेंगे उस हिसाब से आप लोग काट लीजिएगा उतने साइज का। मैं एक आलू का 8 पीस ली हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा रहता है तो उसके अंदर मसाला नहीं जाता है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है उतना खाने में, फीका फीका लगता है। इतना बड़ा साइज ठीक है। अब मैं इसे भी फ्राई कर लेती हूँ। देखिए जैसे मैं सारा आलू डाल दी हूँ, मैं इसे भी फ्राई कर लेती हूँ, थोड़ा क्रिस्पी होने तक फ्राई करूँगी। 5 मिनट तक इसे भी फ्राई कर लेती हूँ मीडियम फ्लेम पे। तब तक देखिए गैस मैं 2 बड़े साइज़ का प्याज ली हूँ, 3 ग्रीन चिली, ये सब का मैं पेस्ट बना लूँगी, और 2 टमाटर, इसका भी मैं अलग से पेस्ट बना लूँगी। देखिए गैस आलू भी फ्राई हो गया है, कितना क्रिस्पी, इसको थोड़ा क्रिस्पी फ्राई कीजिएगा ना, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये फ्राई हो गया, मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। कढ़ाई में मैं बनाऊँगी मसाला वगैरह, कढ़ाई में फ्राई करूँगी, इसको मैं निकाल लेती हूँ। गैस पे मैं कढ़ाई चला दी, इसमें मैं ऑयल डाल देती हूँ। ठीक है, मैं इसमें तेल डाल दी हूँ, 50 ग्राम के लगभग ये तेल है। तड़का के लिए मैं देखिए 1 स्पून से थोड़ा सा कम जीरा है, और 4 लौंग है, 1 दालचीनी है, और 1 रेड चिली है, 2 तेज़पत्ता है। सबसे पहले मैं जीरा डाल देती हूँ, तेल गर्म हो गया है। देखिए ठीक है, जीरा अच्छे से फ्राई हो गया, चटक गया है ये। अब मैं इसमें ये लौंग और दालचीनी डाल देती हूँ, ये भी फ्राई हो गया। 1 रेड चिली डाल देती हूँ, 2 तेज़पत्ता, ये भी फ्राई हो गया। अब मैं प्याज और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाई थी ना,
अदरक खाते तो अदरक भी डाल सकते हैं इसमें, हम अदरक नहीं खाते इसलिए मैंने देखिए मैं पेस्ट बनाई हूँ ना, इसको मैं सबसे पहले इसमें डाल देखिएगा, इसमें सारा पेस्ट डाल दिया। अब मैं इसे 5 मिनट तक फ्राई कर लूँगी, मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक फ्राई कर लीजिएगा। जब तक ये फ्राई होता है तब तक मैं टमाटर का पेस्ट बना लेती हूँ। ये दो ग्रीन चिली ना मैं जब मसाला फ्राई हो जाएगा उसके बाद में डालूंगी इसको, तो सबसे पहले मैं ये टमाटर का पेस्ट बना लेती हूँ। 2 मीडियम साइज का टमाटर है, देखिएगा इसे फ्राई हो गया है, देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया, पूरा अच्छे से ये फ्राई हो गया है। इसका तब तक इसको फ्राई करें जब तक इसका कच्चापन दूर नहीं हो। 5 मिनट फ्राई कीजिएगा ना ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिएगा, देखिए मैं 1 स्पून पेस्ट डाल देती हूँ अदरक लहसुन का, मैं सिर्फ लहसुन का डाली हूँ अदरक का नहीं, आप लोग अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिएगा। अब इसमें 2 मिनट तक फ्राई कर लूंगी, उसके बाद मैं इसमें और मसाला ऐड करूंगी। देखिए गाइस अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें देखिए गाइस मेरा छोटा स्पून है, आपका जैसा स्पून होगा उस स्पून से उस हिसाब से आप डालिएगा। देखिए मैं 2 स्पून इस स्पून से 2 स्पून डालूंगी हल्दी पाउडर एंड 1 स्पून 1.5 स्पून धनिया पाउडर एंड 2 स्पून रेड चिली पाउडर एंड 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च एंड 1 स्पून जीरा मिर्च का पाउडर। अब इसमें नमक डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार, स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ मैं, 2 स्पून नमक डालूंगी। मैं ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा ताकि मसाला डले जले नहीं, 1 या 2 स्पून के लगभग पानी डाल दूंगी। उसके बाद इसको 5 मिनट तक फ्राई कर लूंगी, उसके बाद इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दूँ। देखिएगा इस 2 स्पून के लगभग मैं पानी डाल दी हूँ। अब मैं इसे लो फ्लेम पे फ्राई करूँगी 5 मिनट, उसके बाद इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी। जब भी फ्राई हो जाएगा अच्छे से उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिएगा इसे फ्राई हो गया है, देखिए ऑयल भी छोड़ दिया, साइड साइड से ऑयल भी छोड़ रहा। अब मैं इसमें ये टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी, इसको डाल के अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा मसाला जब तक ये ऑयल ना छोड़। देखिए गाइस मैं टमाटर का पेस्ट सारा डाल दी हूँ और इसको अच्छे से चला दी हूँ। अब इसको एकदम लो फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा, 5 से 7 मिनट तक इसको फ्राई कीजिएगा जब तक ये अच्छे से ऑयल नहीं छोड़ दे। अब मैं इसे फ्राई करूँगी, बीच बीच में चलाती रहूँगी, ये फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ऐसे अच्छे से फ्राई हो गया, देखिए साइड से ऑयल छोड़ दिया थोड़ा थोड़ा, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, नहीं भी डालूंगी तो चलेगा, इतना भी नहीं जला है। ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें सबसे पहले ये मैश किया हुआ आलू डाल देती हूँ। गाइस मैश किया हुआ आलू में डाल देती हूँ, मैं इसके साथ में 1 मिनट तक फ्राई कर लूंगी, उसके बाद आलू सोयाबीन सब इसमें डाल दूंगी। ठीक है गाइस ये फ्राई हो गया। अब मैं इसमें ये जो ग्रीन चिली था ना इसको मैं बीच से काट ली हूँ। अब इसमें मैं ये सारा आलू और सोयाबीन सब डाल देती हूँ एक साथ, इसको डाल के मैं 5 मिनट तक फ्राई कर लूँगी अच्छे से। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, सारा चीज़ आलू सोयाबीन सब चीज़ डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब इसके ऊपर मैं ये थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, वो आलू और सोयाबीन जो रखा हुआ था ना उसमें थोड़ा सा पानी डाल के धो के इसमें डाल दूँगी। और मैं इसे लो फ्लेम पे पकाऊंगी क्योंकि 50% कुक हुआ है ना आलू, अभी 50% इसमें ढक करके एकदम लो फ्लेम पे 10 मिनट या 5 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। देख गाइस ये फ्राई हो गया। अब मैं इसमें ग्रेवी डाल दूंगी, मैं ज़्यादा पतला ग्रेवी नहीं खाती हूँ इसलिए थोड़ा ठीक रखूंगी। मैं इस ग्लास से 1/2 ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा डाली हूँ। अब मैं इसको अच्छे से मिला ले, देखिएगा इसको अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। जितना ग्रेवी खाइएगा आप लोग उस हिसाब से पानी डालिएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ, छोटा स्पून से 1 स्पून, इसको भी अच्छे से मिला ले।
देखिए गाइस, मैं गरम मसाला भी अच्छे से मिक्स कर, अब इसके ऊपर धनिया पत्ता डाल देती हूँ। अब इसे 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पे। इसको ढक देती हूँ ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से, फ्लेवर इसका बाहर नहीं निकले और अच्छे से सब अंदर में ही रहे इसका सारा फ्लेवर। अब मैं इसे ढक देती हूँ मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए, उसके बाद मैं आपको दिखा। देखिए गाइस, ये बन के रेडी हो गया। देखिए साइड से ऊपर ऊपर में देखिए कितना सारा ऑयल छोड़ा है। ये बहुत टेस्टी बना है, देखने से बहुत टेस्टी लग रहा है। अब मैं आप लोग को सर्व करके दिखाती हूँ। गैस देखिए कितना अच्छा बना है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। इस तरीके से बनाइएगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। इसको चावल के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है, ये इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। गैस अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।